1 मार्च को आसमान में ग्रहों का कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा जिसका इंतजार 15 वर्षों से था। चंद्रपुर स्काईवॉच ग्रुप के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश चोपने ने सीटीवी के दर्शकों के लिए क्या जानकारी दी, जानते हैं इस खबर में। एक मार्च को एक खगोलीय घटना के संदर्भ में खगोल शास्त्री तथा स्काईवॉच ग्रुप के अध्यक्ष प्राध्यापक सुरेश चोपने ने दी है। खगोलीय घटना के संदर्भ में प्राध्यापक सुरेश चोपने ने कहा है कि 1 मार्च 2023 को सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम आकाश में एक अत्यंत विलोभनीय और दुर्लभ गुरु और शुक्र ग्रहों की युति देखने को मिलेगी और यह युति 15 वर्षों के बाद दिखाई दे रही है और इसे फिर से देखने के लिए व्यक्ति को 15 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनिए इस संदर्भ में प्राध्यापक सुरेश चोपने ने विस्तार पूर्वक क्या जानकारी दी। हमारा स्पेस बहुत अच्छे तरह से भरा हुआ है। हर साल हमारे यहाँ कभी उल्का गिरती है तो कभी ग्रहण होता है तो कभी युतियाँ होती हैं। तो ऐसी ही एक दुर्मिड युति कल 1 तारीख को शाम को सूरज ढलने के बाद हमें देखने को मिलेगी। हमारे आकाश का सबसे तेजस्वी जो ग्रह है शुक्र और सबसे एक बड़ा ग्रह है जो गुरु, ये दोनों ग्रह जो ग्रह है हमें एक ही जगह देखने को मिलने वाले हैं। तो ये ग्रह 15 साल के बाद एक इकट्ठे आए हैं और फिर 15 साल के बाद इसको हमें देखने को मिला है। तो लाइफ टाइम एक प्रकार की ये संधि हम सबको मिलने वाली है। तो ये संधि हम सब लोगों ने देखना चाहिए। कल 1 तारीख को वड़गांव के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो है स्कूल है वहाँ स्काईवॉच ग्रुप के तरफ से एक आकाश निरीक्षण शिविर रखा गया है, वहाँ आप आके ये जो निरीक्षण कर सकते हैं या जो लोग नहीं देख सकते वो अपने घर से छत के ऊपर जाके या ओपन स्पेस में जाके पश्चिम दिशा में अगर सूरज ढलने के बाद अगर देखे तो एक अच्छी संधि, एक अच्छी युति आप इस डेफिनेटली देख सकते हैं। तो मेरी सभी विद्यार्थियों और खगोल प्रेमियों को विनंती है, आह्वान है स्काईवॉच ग्रुप की तरफ से कि आप ये ग्रह कल देखें। एक्चुअली ये परसों भी देख सकते हैं, उसके बाद भी, यानी 5 मार्च तक आप ये युति देख सकते हैं। मगर सबसे कम जो अंतर है वो अंतर 1 तारीख को होने वाला है या फिर थोड़ा सा अंतर बढ़ के 2 तारीख को होने वाला है। फिर शुक्र ग्रह आकाश में ऊपर आएगा सूरज ढलने के बाद और फिर गुरु जो ग्रह है वो नीचे सूरज की तरफ जाने वाला है। तो बाद में हम गुरु नहीं देख सकते, हम शुक्र देख सकते हैं।